तो अब हम लोग यहाँ पे नागरिक लिपि के बारे में जानते हैं, आखिरकार ये नागरिक लिपि की शुरुआत कैसे हुई। वैसे नागरिक लिपि होता क्या है, उसमें जो लिपि है ये लिपि शब्द का निर्माण कैसे हुआ आप समझिएगा। अब ये पूरा जितना भी अपना देश बाबू डेवलप हुआ है ना, आगे बढ़ा है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी योगदान लिपि का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर लिपि नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगा, ठीक है। पहले लिपि नहीं था तो दुनिया वैसे भी चल रहा था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या लिपि नहीं था, ये कोई खाने वाला चीज़ है क्या कि लिपि नहीं था तो दुनिया नहीं। ये लिपि खाने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। हमारे दुनिया में मतलब विकास, हमारे दुनिया को विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले समझते हैं लिपि क्या है। आप एक चीज बताइएगा, आप किसी चीज को कितना दिन तक याद रख सकते हैं, ऐसे समझिए 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो अब मान लीजिए कि भूल जाएंगे तो वो चीज दोबारा याद दिलाने के लिए कहीं लिखिएगा, कहीं कुछ तो लिखिएगा ना, ताकि फिर एक बार उसको देखेंगे। आप पढ़ाई करते हैं तो उसको कॉपी में लिखते हैं, तो जो आप कॉपी में लिखते हैं ना तो आप कोई अक्षर से लिखते हैं, वही अक्षर लिपि है। कभी ना कभी वो अक्षर बनना होगा कि नहीं, जैसे समझिएगा यहाँ पे हम बाबू क्या लिख रहे हैं, क लिख रहे हैं। आप एक बात बताइए, इसको हम क से कमल लिखते हैं, बचपन में यही करते हैं ना, कमल, ठीक है। तो कमल क्यों लिखते हैं, बच्चा याद तो कर लेता है ना, तो लिखने की फिर जरूरत क्या है। मान लो बच्चा भूल गया तो इसको पढ़ सकता है फिर से, तो ये पढ़ सकता है, तो इसी को क कहते हैं। ये किसने बताया, यही मामला है, ठीक है। लिपि इसी को कहते हैं। जब लिपि बना ना तो हर वो चीज़ जो बार बार भूला जा सकता है उसको कॉपी में हम लोग लिखना शुरू कर दिए। तो आज देखिए तो दुनिया के कितने करोड़ों अरबों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो कॉपी में या कहीं पे भी लिखते हैं। पहले पत्थरों पर लिखा जाता ताकि भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो भी भाषा लिखा गया है ना, इसको आपको याद करना है, एग्जाम देना है, तो आप किस में, एक लिपि में लिखेंगे, ठीक है। आप जिस लिपि में लिखते हैं ना, वही एक लिपि को नागरिक लिपि कहते हैं, ठीक है। अब नागरिक लिपि ये कौन सबसे पहले बोला कि भाई यही लिपि है, इसको क किसने बोला। सबसे पहले कहीं ना कहीं से शुरुआत होगा ना, किस भारत से हुआ, नीचे वाले दक्षिण भारत से हुआ या उत्तरी भारत से होगा। लिपि की शुरुआत कहीं से तो होनी ही है, तो उसी के बारे में जानेंगे, लिपि के कहानी के बारे में जानेंगे कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, कैसे पता चला कि इसी को क कहते हैं, इसी को ख कहते हैं। इसी नागरिक लिपि के बारे में हमको जानना है कि इसका उद्गम यानी कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस भारत से हुआ, इसमें बड़ी मतभेद है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 सदी पहले अक्षरों की टाइप बनी। अब मान लीजिए कि क इसको कहते हैं, चलो मैंने मान लिया कि क इसको कहते हैं, ठीक है। कलों के कलम हम ऐसे लिखेंगे, जब हमको पता ही नहीं होगा कि क इसको कहते हैं तो इसको तुम क पढ़ो ना, तो बोला ना सर हम तो बचपन से इसको ख पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन कबो ना कबो कोई तो इसको बोला होगा कि यही क है, तब ना हम लोग बोलते बोलते आज सब कोई बोल रहा है इसी को क है। तो आखिरकार वो किसने बोला, ठीक है, कितने दिन पहले। तो जब टाइपिंग मशीन देखे हो, जब तुम ए दबाते हो तो वहाँ स्क्रीन पर ए लिखा जाता है, इसका मतलब उसका टाइपिंग मशीन बन गया है। तो वो तो हो गया इंग्लिश तो रोमन, लेकिन हिंदी जो है, ठीक है, उसमें क दबाओगे तो क वहाँ लिख देगा। क वैसे नहीं, अलग अलग उसका शब्द होता है, ठीक है, अलग अलग दबाना पड़ता है। तो जब उसका टाइपिंग बना ना टाइप, तब जाके अक्षर रुक गया। अच्छा, अब कोई भी दबाएगा ना नंबर तो कहाँ उखड़ेगा, क ही उखड़ेगा, स्क्रीन पर क ही दिखेगा। इसका मतलब जब टाइप मशीन बना तो सब किसी को याद करा दिया गया, क्या कि देखो ये बटन दबाने से क, इसी को क कहते हैं, दोबारा इसको दूसरा अक्षर ना मत रहना, अब एगो फिक्स हो गया है ना। धीरे धीरे अक्षरों को फिक्स करते गए लोग, ठीक है, उस हिसाब से लोग रट गए कि इसी को क कहते हैं, दूसरा अब नाम चेंज नहीं होगा। तो 2 सदी पहले, कितने सदी पहले, 2 सदी पहले अक्षरों में क्या हो गई, स्थिरता आ गई जब टाइप बने। आपसे पूछा जाएगा अक्षरों में स्थिरता कितने सदी पहले आई, तो 2 सदी पहले जब उसके टाइप बने तो अक्षर रुक गए कि हाँ भाई यही है, इसको कलमा लिखे हैं ना तो इसी को क कहते हैं, क्योंकि टाइपिंग में आपसे आपका किताब छपा होगा उसमें ये सब लिखा होगा। तो क्या होगा, आप कुछ दबाइएगा तो क थोड़े लिखाएगा, एगो फिक्स हुआ कि यही दबाने से क आता है, ठीक है। तो अक्षर में स्थिरता आ गई, रुक गई, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें सबसे मेन लिपि के बारे में जानना है, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, उसके लिपि के बारे। इसको नागरी भी कहते हैं, ठीक है, इसको नंदी नागरी भी कहते हैं, ठीक है। आखिरकार ये शब्द कहाँ से बने, क्या सबसे मेन
शब्द यही है, सबसे मेन लिपि यही है, पूरा दुनिया में सिर्फ देवनागरी लिपि चलता है। नहीं बाबू, पूरे दुनिया में देवनागरी नहीं चलता है, ये भी इसका भी कहीं से जन्म हुआ होगा। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं से जन्म हुआ है, डायरेक्ट कोई लिपि का निर्माण नहीं हुआ है, इसके भी कोई बाप दादा होंगे। तो देखते हैं देवनागरी लिपि की शुरुआत, जो हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, ये सब देवनागरी लिपि है, हिंदी संस्कृत, इस रूप में जो भी लिखाएगा वो देवनागरी कहलाएगा, यहाँ समझिएगा। नेपाली भी है या फिर नेवारी उसको बोला जाता है, जिसको नेपाली में खसकुरा बोला जाता है, ठीक है। ये भाषा या फिर मराठी भाषा सब देवनागरी में लिखा गया है, ठीक है, इसको ल बोलते हैं, यहाँ समझिएगा। अब बताइए कि इसको तो देवनागरी कहते हैं, लेकिन देवनागरी कहाँ से बना, क ख ग कौन पढ़ा इसको कि इसी को हम लोग क इसी को ख कहते हैं, ये भी कहीं से आया होगा ना, इसको तो देवनागरी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इनके बाबूजी कौन है, यहाँ समझिएगा, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि जन्म लिया है, अब ब्राह्मी लिपि से ही तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब लिपि बना है, लेकिन सबसे ज़्यादा लिपि चलता है देवनागरी। आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना, तो आपको जब हिंदी में लिखना होगा तो ऊपरवा लिखना पड़ता है कि वहाँ देवनागरी में, इंग्लिश में लिखना पड़ता है तो रोमन में, तो दो ही चीज़ ज़्यादा चलता है देवनागरी या रोमन एग्जाम में, यहाँ का बात सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लिपि ब्राह्मी लिपि से बना है, ठीक है, जिस तरह नागरिक बना ब्राह्मी लिपि से, तमिल, मलयालम, तेलुगु, लेकिन तमिल में भी, तमिलनाडु में भी देवनागरी लिपि लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप फिल्म वगैरह देखते होंगे तो साउथ फिल्म देखे होंगे, साउथ फिल्म में हिंदी को डब बदल दिया जाता है, तो वो सब तमिल वगैरह है, लेकिन वो लोग हिंदी भी जानता है, इसका मतलब वहाँ भी देवनागरी या नागरिक लिपि चलता है। आपसे पूछा जाएगा नागरिक लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस लिपि से, तो ब्राह्मी लिपि से हुई है, ठीक है। अब देखिए मान्यखेट के राष्ट्रकूट में या फिर देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासक, इस सब लोगों के लेख किसमें मिले हैं, नागरिक लिपि या देवनागरी लिपि में मिले हैं, ठीक है। एक बात और बताते हैं, वेद पढ़े हैं ना, वेद वेदांग, जो वेद चार गो होता है वो भी तो लिखा गया होगा, क्योंकि उतना बड़ा वेद किसी से याद नहीं होगा, तो याद करने के लिए अक्षर चाहिए ना, उसी को तो नागरिक कहते हैं। तो वेदों को लिपिबद्ध कर दिया कौन, विजयनगर के शासकों द्वारा वेदों को लिपिबद्ध कर दिया गया। आपसे पूछा जाएगा वेदों को लिपिबद्ध किस शासक द्वारा किया गया था, तो विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया था, किसमें, तो नंदी या फिर नागरिक लिपि में, ठीक है, यहां समझिएगा। 11वीं सदी का बात करते हैं, वैसे नागरिक लिपि किस सदी में बना होगा, यह भी बात एक तरह से देखा जाए तो बहुत कम लोगों को जानकारी है कि ये कैसे, इसकी उत्पत्ति किस सदी में हुई। कहा जाता है सिर्फ कि 8वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिया का, ठीक है, भारत का, तो नीचे वाला इलाका में जो साउथ फिल्म देखते हो ना, उस इलाका में सबसे पहले नागरिक लिपि लोग जाने, ठीक है, ओकरा बाद से किस इलाका में, ऊपर वाले, तो इसमें जाने 8वीं सदी में दक्षिण भारत, भारत तो पूरा है लेकिन नीचे वाले को कहते हैं दक्षिण भारत, ऊपर उत्तर होता है तो ऊपर वाले को उत्तर भारत, ठीक है। तो 8वीं सदी में दक्षिण भारत के लोग जाने और 9वीं सदी में, ठीक है, उत्तर भारत के लोग जाने, यानी हम लोग 9वीं सदी में जाने हैं, ठीक है, यहां समझिएगा। लेकिन 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी आया, ठीक है, उसने क्या कहा, इस्लामिक शासन की नींव, आपसे कहा जाएगा कि भारत में इस्लामिक शासक की नींव सबसे पहले किसने डाली, तो महमूद गजनवी डाली, किस सदी में डाली, 11वीं सदी में। इसके सिक्का पर उर्दू में कलमा तो लिखा था लेकिन देवनागरी भी लिखा था, इसका मतलब कि इहो जानता था देवनागरी, ठीक है, ये हिंदी और संस्कृत ये सब जो भी भाषाएं हैं जानता है। उसके एगो सिक्का पर लिखा था, देखो, अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अव्यक्त मेकम महमूद मोहम्मद अवतार नृपति महमूद किसके सिक्का पर लिखा गया था, तो गजनवी के सिक्का पर लिखा गया था, और दूसरी तरफ कूफी लिपि में कलमा लिखा गया था, ये आप याद रखिएगा। 11वीं सदी का बात बता रहे हैं, 8वीं का बात नहीं कर रहे, 9वीं का बात नहीं, 10वीं का नहीं, 11वीं का बात कर रहे हैं, इसका बात करेंगे, इसमें शुरुआत हुआ है लिपि का। ये देखिए बंगला भाषा देवनागरी लिपि की बहन कहते हैं, पता है बहन क्यों कहते हैं, समझिएगा यहाँ ध्यान से, इसलिए क्योंकि हिंदी में तो क ऐसे ही तो मान लो कि देवनागरी हो गया, लेकिन बंगला में क ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब देखो तो थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है कि नहीं, लग रहा है ना कि जुड़वा भाई बहन है, ठीक है। तो आपको देवनागरी लिपि की बहन किसको कहा जाता है, बंगला को कहा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ समझिएगा।
अब देखा गया भाई सब कोई देवनागरी जाने लगा, तो अकबर ने एक सिक्का चलाए, उस सिक्का पर राम और सीता का फोटो था, ठीक है, और उस पर लिखा था राम सी। आपसे पूछा जाएगा कि मुगल बादशाह ने मुगलिया सल्तनत के किस शासक के सिक्कों पर राम सी लिखा था, तो यहाँ क्या रखिएगा, अकबर के सिक्कों पर राम सी लिखा था, ठीक है, और राम सीता की तस्वीरें भी थी, यहां समझिएगा। नागरिक लिपि की पहचान क्या, अच्छा हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यही नागरिक है, का कख होगा लिखने से नागरिक हो जाएगा, कई गो भाषा है जिसको हम लोग नागरिक लिपि कहते हैं, लगभग भाषा सबसे ज्यादा नागरिक लिपि में ही लिखा जाता है, तो एगो अक्षर पहचानने का तरीका है कि कैसे नागरिक है, जिस नागरिक जिस लिपि पर जो भी शब्द लिखा गया उसके ऊपर अगर सीधा लाइन खींच दिया गया तो समझिएगा वह नागरिक लिपि या देवनागरिक लिपि है। बताइए जितना लिखे हैं हम सबके ऊपर वह लाइन खींचे हैं कि नहीं, तो जब लाइन खींचे हैं तो समझिएगा ये देवनागरिक, आज इस पर टेढ़ा मेढ़ा लाइन है उसे सीधम लिपि कहते हैं, छोटी आड़ी लकीरें जो है, ठीक है, छोटा छोटा लाइन है कहीं कहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, सीधम लिपि, और सीधा जो है उसे कहते हैं हम लोग नागरिक या देवनागरिक लिपि, इस समझ में आया होगा। 11वीं के बाद 12वीं सदी में केरल के शासक है उनके सिक्कों पर लिखा था वीर केरलस्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीर केरलस्य किस शासक के सिक्कों पर लिखा था, तो केरल के शासक कब लिखा था, 12वीं सदी में ही देखने को मिला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 8वीं और 9वीं सदी के बारे में, ठीक है, 8वीं 9वीं सदी के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारा भारत हो गया इधर से, ठीक है, और भारत में 8वीं सदी में, ठीक है, यहाँ 8वीं सदी की बात कर रहे हैं हम, 8वीं सदी, ऊपर में 9वीं सदी होगा, 8वीं सदी में दक्षिण भारत में क्या मिला, नागरी के नंदी नागरी के लेख मिलते हैं, 8वीं सदी में सबसे पहले इधरे नंदी नागरी के लेख मिला, और 9वीं सदी में उत्तर भारत में मिले, ठीक है। अब जानते हैं कि ठीक है सब जगह तो लेख मिल गया, लेकिन एक बात बताओ, लिपि तो बता दिए आप, ऐसे पूछ सकते हो, लेकिन नगर काहे आया, लिपि तो ठीक है सब लिपि है, नगर की उत्पत्ति कैसे हुई, नगर नाम कैसे आया, तो अलग अलग लोगों ने बोला कि हमारे गांव से आया, हमारे देश से आया, हमारे राज्य से आया, भाई इसमें कौन सही बोला, तो देखिए कौन कौन काका बात बोला है, गुजरात के नागर ब्राह्मण बोला है कि हम लोग नागर ब्राह्मण हैं, ठीक है, इसका मतलब नागर जो है ये हमारे यहाँ से आया इसीलिए नागरिक लिपि बन गया, ठीक है, ये गुजरात वाले कंडीशन में, ये वाला गुजरात है, भारत के जो कटोरा टाइप का यहाँ होता है ये गुजरात है। काशी को देव की नगरी बोला जाता है, देव का नगर, देव नगर बोला जाता है, पवित्र स्थल है काशी, यूपी में जो पड़ता है, ठीक है, वो बोला कि हमारे यहाँ देव नगरी है इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा, नगर है तो, और देव का जमीन है इसीलिए देव नागरी पड़ा, ये अपना कांड करके चले गए। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम था विक्रमादित्य, इनका एगो नाम था, इनका नाम था देव, व्यक्तिगत नाम क्या था, देव, आई पता है कहाँ रहते थे, पटना में रहते, इनकी राजधानी पटना थी और पटना एक बहुत बड़ा नगर था, तो पटना एक नगर था, इनका नाम था देव, तो हो गया देवनगर, तो देवनगर से ही बोल दे कि इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी, ठीक है, याद रखिएगा। और यह सब बातें विक्रमादित्य की किस किताब या किस नाटक में लिखा गया है पूछ देगा, तो यहाँ लिखिएगा, देखो पदकदीतकम नाटक एक है उसी में ये बात लिखा गया था, हो सकता है ऐसा लिखा गया था कि देवनागरी लिपि इसी से बना, इनका नाम था देव और पटना सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, यहाँ समझेगा। एक और आए चलाक आदमी, वो बोले महाराष्ट्र के नंदी नगर, देखिएगा जब आप इंडिया का मैप बनाइएगा तो ऐसे गुजरात है, यहाँ मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है, महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम क्या है, नंदी नगर, तो लोग बोले कि हो सकता है कि यहाँ नंदी नगर नाम है इसीलिए यहाँ पे क्या रख दिया गया, नंदी नागरिक लिपि रख दिया गया। आ एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र में नागरिक लिपि को नंदी नागरिक लिपि के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे मैप रहेगा ना या फिर नहीं भी रहेगा, तो नीचे वाला में इसको बोलते हैं नंदी नागरी, नंदी नागरी, और उत्तरी भारत में बोलते हैं देवनागरी, यह याद रखिएगा, ठीक है, देवनागरी, ठीक है, तो आपसे नंदी नागरी नीचे बोला था, तो महाराष्ट्र इधरे पड़ता है, तो महाराष्ट्र के नंदी नामक एक नंदी नगर जगह था उसी के नाम पर कहीं पड़ा ऐसा कहना है। अब देखिए राष्ट्रकूट की नींव सबसे पहले किसने डाली, तो दंती दुर्ग ने डाली, ये याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट की नींव सबसे पहले किसने डाली, दंती दुर्ग। अब दंती दुर्ग से सबसे ज्यादा बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है, 8वीं सदी में सबसे पहले दक्षिण भारत में लेख मिला था देवनागरी का, तो किसके शासनकाल में मिला था, तो वही थे दंती दुर्ग, जिनका सबसे प्राचीनतम लेख 8वीं सदी में मिला था, दक्षिण भारत के ही थे, नीचे वाले भारत के, ठीक है, जिधर साउथ वगैरह लोग होते हैं ना वही।
इस शुरू में कहाँ के निवासी, तो कर्नाटक के। ऐसी भाषा जानते थे कन्नड़, कौन सा भाषा जानते थे बाबू, कन्नड़ भाषा से ही सबसे ज़्यादा जानते थे। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। ठीक है, ये दक्षिण भारत से आते हैं। इनके एगो चाचा थे, जब हट गए तो चाचा जी आए, जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने एक मंदिर का निर्माण किया जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपम कैलाश मंदिर। ठीक है, इन्होंने बनवाया जो कहाँ में है, एलोस में है। कहाँ पे है, एलोस पे है, उसी इलाका का नाम है। अब देखिए आठवीं सदी तो पढ़ लिए, नौवीं सदी में उत्तर भारत में चलते हैं, और उत्तर भारत में अगर देखें, लेकिन अभी इन्हीं के पर रहते हैं, अमोघ वर्ष। एक राजा थे जिनका नाम था अमोघ वर्ष, उनकी राजधानी कहाँ है, मान्यखेड। आपको पूछा जाएगा कि अमोघ वर्ष के जो राजा थे उनकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेड थी। और मान्यखेड जब था, तो मान्यखेड अमोघ वर्ष के शासनकाल में एक बहुत बड़े मैथमेटिक्स के जानकार थे, जो गणित खूब जानते थे, उसे मैथमेटिशियन कहा जाता है। तो उनका नाम था महावीराचार्य। उनका नाम क्या था, महावीर। उन्होंने एक रचना किया गणितासार। आपसे पूछा जाएगा गणितासार की रचना किसके द्वारा हुई या किसके शासनकाल में, तो यहाँ देखो महावीराचार्य के द्वारा हुई। किसके शासनकाल में, तो अमोघ वर्ष के शासनकाल में हुई। तो इतना आपको समझ में आया होगा। एट लास्ट इधर देखिएगा, इधर क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसे दोनों क्वेश्चन आपके लिए भी आइए, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, देखिएगा गोमटेश्वर का पुतला, ठीक है, किस स्थान पर है, कहाँ पे है, तो याद रखिए श्रवण बेल गोल। यहाँ पे श्रवण बेल गोल, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि श्रवण बेल गोल किस जगह, कैसा जगह है, तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और तीर्थ स्थल है, घूमने वाला जगह है, जैन धर्म का है। ठीक है, कौन, श्रवण बेल गोल, जहाँ पे किसका पुतला है, तो गोमतेश्वर का पुतला है। और ये तो मस्ट VVI क्वेश्चन है, ए और ओ, यहाँ पे समझिएगा किस ताम्रपत्र पर लिखा था, किस शासक के ताम्रपत्र पर, रामचंद्र। किस सदी में, 13वीं सदी में, 13वीं सदी में रामचंद्र के ताम्रपत्र पर ए और ओ लिखा था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा, ये यादव वंश के थे, ठीक है, यानी कि यादव कुल के थे। तो ये आपसे पूछा गया, ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नागरिक लिपि में नगर की उत्पत्ति कन्फ्यूजन है ना, कोनो बोला कि हम लाए, कोई बोला हम लाए, तो कन्फ्यूजन है। लेकिन लिपि समझ गए ना, किसी भी चीज को अगर हम लिख देते हैं तो जिस भाषा में लिखते हैं वो भाषा कुछ भी हो, अगर लिख दिए तो वो लिपि कहते हैं। ये क्यों बना, तो हमारे दिमागी हालत के कारण, बार बार किसी चीज को भूल जाते हैं ना, तो भूलने से बचने के लिए शब्द बना, उसी शब्द को लिपि कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक स्टूडेंट को पहुंचाए जो मैट्रिक का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से करना चाहते हैं, ताकि इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।